आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय स्टार और युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 39 रनों की पारी खेली। बता दें कि शुभमन गिल का इस मुकाबले में पहले दीपक चाहर ने स्क्वायर लेग पर कैच छोड़ा, उसके बाद शुभमन गिल ने तुषार देशपांडे को 3 लगातार चौके जड़ते हुए सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज दीपक चाहर से भारी गलती हो गई। हालांकि इसके बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर शुभमन गिल स्टंप आउट हो गए और 39 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। इस दौरान बल्लेबाज ने 7 चौके लगाए, लेकिन अपनी इसी छोटी पारी के बदौलत शुभमन गिल ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड आईपीएल में अपने नाम कर लिया। दरअसल में शुभमन गिल ने इस सीजन कुल 890 रन अपने नाम किए। 59.33 के औसत से उन्होंने इस सीजन 3 शतक भी जड़े और 4 चौके भी लगाए। आपको बता दें कि अब शुभमन गिल ने इसी के साथ एक बड़ा कीर्तिमान दर्ज किया है। शुभमन गिल आईपीएल के किसी भी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर आ गए हैं। शुभमन गिल ने इस मामले में जॉस बटलर को पछाड़ा है। जॉस बटलर के नाम आईपीएल के एक सीजन में 863 रन बनाने का रिकॉर्ड था, जो उन्होंने साल 2022 में करके दिखाया था। लेकिन शुभमन गिल ने 890 रन बनाते ही अब आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दूसरे पायदान पर आकर अपने नाम कर लिया है। उनसे आगे विराट कोहली हैं, जिन्होंने साल 2016 में 973 रन एक ही सीजन में बनाए थे, जो रिकॉर्ड अभी टूटना बाकी है। शुभमन गिल के पास ये मौका था कि इस मुकाबले में शतक जड़कर वो इस रिकॉर्ड को तोड़ सके, लेकिन चेन्नई के आगे एक बार फिर से वो बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।